अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रिजवाना और मैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम जिस दवाई के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एंटीमोनियम क्रोटम। ये दवाई होम्योपैथिक की बहुत बड़ी दवाइयों में से शुमार होती है और इस दवाई के सिम्टम्स जो हैं वो बहुत बहुत सारे हैं और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ये दवाई ज़्यादातर उन लोगों के लिए इस्तेमाल होती है जो मोटापे की तरफ रुझान होता है, खुसूसन बच्चों में। आपने देखा होगा आजकल बच्चों में मोटापे का रुझान बहुत ज़्यादा है, बूढ़े लोगों में भी है, यानी उन लोगों में या उन बच्चों में जो ज़्यादातर बैठे रहने का काम करते हैं, बैठे रहते हैं और उनके अंदर चर्बी बढ़ने का रुझान बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए दवाई बहुत अच्छा काम करती है। और ऐसे बच्चे जो जिन बदमिजाज टाइप के होते हैं वो बात नहीं करेंगे, चुप रहेंगे, जवाब नहीं देंगे और उनको ज़रा सी तवज्जो दी जाए या उनकी तरफ देखा जाए तो उनको बहुत बुरा लगता है कि मेरी तरफ नहीं देखो। ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे अपने आसपास कि जो बहुत अपनी तरफ देखना या मुतवज्जा होना किसी का बर्दाश्त नहीं करते हैं। इन बच्चों को ठंडे पानी में नहाने से बहुत अलामत ही बढ़ जाती हैं और ये नहाना पसंद भी नहीं करते हैं। अच्छा, इसकी अलामतों में जो है सर्दी से तकलीफात बढ़ जाएंगी और इंतहाई चिड़चिड़ापन होगा, कब्ज़ होगा, दस्त होगा, कभी कब्ज़ हो जाएगा, कभी दस्त हो जाएगा। अच्छा, इसमें इस मरीज़ को गमगीनी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि कोई भी बात हो जाए तो उसमें गम, उदासी, मायूसी इतनी होती है कि वो उसके अंदर जो है सुसाइडल थॉट्स आते हैं, यानी कि अपने आप की अब ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और उसके अंदर ख्वाहिश होती है कि मैं डूब के मर जाऊँ। अच्छा, होम्योपैथिक में ये भी होता है कि जैसे बहुत से मरीज़ होते हैं जो ख़ुदकुशी करना चाहते हैं तो उनके अंदर अलग अलग तरीके से ख़ुदकुशी की ख्वाहिश होती है, तो इसके मरीज़ में अमूमन ये होता है, हमारे पास भी लोग आते हैं कहते हैं कि हमारे जाते हैं ज़िंदगी ख़त्म करने, तो फिर हमारा अगला सवाल होता है कि अगर आपको ज़िंदगी ख़त्म करने का ख्याल आता है तो आप क्या क्या सोचाती है आप? तो वो कहते हैं कि बाज़ लोग कुछ अलग अलग अपना बताते हैं कि हम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि चाहते हैं कि अक्सर ख़वातीन ऐसे कहती हैं कि हम अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जाएं और समंदर में डूब जाएं। तो ऐसा इसके ऐसे थॉट्स होते हैं, सुसाइडल थॉट्स में इस तरह के थॉट्स आते हैं। अच्छा, ये नाकाम मोहब्बत की बहुत के जो अलामत होती हैं, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तो मरीज़ बहुत उदास हो जाता है, ऐसा लगता है ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब तो आगे कुछ है ही नहीं, तो वो उसके बहुत ज़्यादा मायूसाना किस्म के ख्यालात हो जाते हैं उसके। तो उस उन दिनों अगर ये दवाई दी जाए पूरे सिम्टम्स देख के मरीज़ इसी दवाई का सिम्टम है तो मरीज़ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। मतलब कि अगर रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है लड़के लड़कियों में से किसी का, तो बजाय इसके कि माँ बाप ये कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि भाई अब इसकी कहीं शादी कर दी जाए ताकि ये स्वयं से बाहर आ जाए, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उसकी अगली शादी की कोशिश नहीं करें या उसकी रिश्ता ढूंढने की कोशिश के बजाय आप अगर उसकी मेंटल हालत को बेहतर करने पे तवज्जो दें, उसका इलाज कराने पे तवज्जो दें तो वो ज़्यादा सही है बनिस्बत इसके कि आप उसकी तवज्जो को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ें। असल में जब कोई बीमार होता है या कोई तकलीफ़ है, चले साइकोलॉजिकल भी बीमार है, तो उसको पहले उसकी साइकोलॉजी को सही करना चाहिए, उसकी जो अंदर उसके इमोशन गड़बड़ हुए हैं उसको सही करने के लिए दवाइयाँ दी जानी चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए, ना कि उसकी कहीं पे भी शादी कर दी जाए कि उसका ध्यान बटेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब चांद अपने उस पर होता है चांदनी रातों में, इसके मरीज़ की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, उसकी अलामत बहुत बढ़ जाती हैं और इसके जो सर दर्द होता है वो नहाने से अक्सर बढ़ जाता है, हाजमे की तकलीफ हो जाती है, मैदा चूंकि कमज़ोर होता है तो जो शक्ल चीज़ें होती हैं जैसे कि मुर्गन गज़ाएँ हैं या बाज़ार की बहुत सारे खाने हैं वो इसको हज़म नहीं होते हैं, इसके जो इस और इसी वजह से इसके जो होंठों के ये किनारे होते हैं ये भी फट जाते हैं अमूमन। अच्छा, ज़बान का सफ़ेद होना इस दवा की बहुत बड़ी अलामत है, बिल्कुल सफ़ेद होगी ज़ुबान। अच्छा, इसमें खांसी भी होती है, खांसी शदीद होगी और अक्सर जो लोगों को गैसेस होती हैं, गैसेस बहुत पुरा बहुत बहुत सालों से लोगों को गैसेस होती हैं और गैसेस से वो परेशान रहते हैं। इस दवाई में खांसी भी शदीद खांसी भी पाई जाती है और इसके जो नाखून होते हैं वो नाखूनों में देखा हुआ क्रैक्स पड़ जाते हैं लोगों के, तो नाखून बिल्कुल बीच में से फट फट के बढ़ते हैं,
तो ये इस दवा से सही हो जाते हैं। इसके गड्ढे होते हैं, कॉर्न्स होते हैं पाँव में और जगहों पे कॉर्न्स होते हैं, और इतनी शदीद तकलीफ़ करते हैं कि जैसे ही पाँव ज़मीन में रखा तो दर्द बहुत शदीद होता है। ये इन इसके लिए भी ये दवाई बहुत ही कारगर दवाई है, अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। अच्छा, इसका अगला सिम्टम ये कि जो मरीजों को धूप में काम करने से प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे हम लू लगना कहते हैं कि सर दर्द हो गया, उल्टी बुखार हो गया, लू लग गई, धूप में चले गए, तो उसके लिए भी ये दवाई बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये थी आज की दवाई, आज की हमारी जो होम्योपैथिक दवाई थी, इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। आप इसे अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से पूछ के अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप हमसे सवाल करना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दें। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।